उस वीर के वंशज हम लोग हैं, उन्हीं की ये मूर्ति लगी हुई है बक्सर जिला चौसा प्रखंड रामपुर पंचायत के निकृष्ट ग्राम में। और ये भी मैं बता दूं कि इनका राज धर्म जो था बौद्ध धर्म था, ये बौद्धिस्ट राजा थे, लेकिन लोग गलत तरीके से इनके बारे में दूसरे सिस्टम से, दूसरे मजहब से जुड़ करके प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में देश उस समय विश्वगुरु था जब, जिस समय पूरा देश के लोग बौद्धिस्ट थे, पूरा देश बौद्ध में था। और जिस समय बौद्ध में था, आप ईरान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, जितना लगभग देश था वो सभी वहाँ बौद्ध का प्रमाण मिलता है उस समय का, सम्राट अशोक के पीरियड का, जो चाहे वो क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ हो या बौद्ध स्तूप हो या बौद्ध विहार हो या बौद्ध मूर्ति हो, ये सभी आज भी खुदाई होते हैं, बड़े बड़े मंदिरों की खुदाई होती है, तो वहाँ पे यही सब सबूत मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया के लिए विश्व गुरु कैसे था भारत। तो हमें अपनी पुरातन व्यवस्था की तरफ लौटने के बाद ही भारत दुनिया की ताकत बन सकता है, वरना हम बटे रहेंगे और अपनी जो पुरातन व्यवस्था है उसको दरकिनार करते रहेंगे, तब तक हम शक्ति या महान शक्ति के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहां दिल्ली के एक बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कहा कि वहाँ पहले सभी लोगों को नमो बुधाय बोला, और नमो बुधाय बोलने के बाद स्पष्ट उन्होंने संकेत संदेश दिया कि विश्व को युद्धमय नहीं बुद्धमय की ज़रूरत है। यदि विश्व को शांति चाहिए, तरक्की चाहिए, अमन चैन चाहिए, तो युद्धमय की, युद्ध की ज़रूरत नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। तो ये बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दिल्ली से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए पूरी दुनिया के जितने बौद्धिस्ट राष्ट्र हैं, बौद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्धिस्ट बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्होंने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त किया। और जो भी देखा उनके मैसेज को पूरी दुनिया में काफ़ी प्रचारित प्रसारित किया गया, और आज भी वो मैसेज चल रहा है और सभी को देखना चाहिए। और विश्व को शांति तभी मिलेगी जब बुद्ध मैं पूरा विश्व बनेगा। सभी को आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे इनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, ये सब परम चक्रवर्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव के अनुयायी हैं, यानी वंशज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी लोग, यानी हमारा जो विरासत है बौद्ध विरासत, बौद्ध संस्कृति, उसी के वंशज हैं। और कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास जो भी होता है अपने आप को दोहराता है। जिस समय हमारा देश विश्वगुरु था, पूरा देश बौद्ध में था, आज उसी राह पे काफ़ी दिन दुना रात चौगुना चलना शुरू कर दिया है। जगह जगह लोग अपने विरासत को याद करके अपने घर वापसी कर रहे हैं। इसके लिए देश की तरफ से सभी को लाख लाख धन्यवाद। जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव, जय सुहलदेव। निकृष गांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकृष गांव की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सुहलदेव, जय सुहलदेव।